हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं निकुल और आज मेरे पास YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज है। तो बढ़ते हैं हमारे न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैरी मिनाटी मिस्टर बीस्ट के ऊपर एक पैरोडी वीडियो बनाने वाले हैं। तो कल मिस्टर बीस्ट एक ट्वीट किए थे जहां पर वो फेस्टिवल लॉन्च हो चुका था ऑस्ट्रेलिया में। तो कैरी मिनाटी भी उसके ऊपर एक रिएक्ट करते हुए बोले डम, एंड इसी चीज की अनाउंसमेंट उन्होंने तब करी थी जब उन्होंने यहाँ पर कॉलअप करा था मिस्टर बीस्ट के साथ। बट कल यहाँ पे फुकरा इंसान है, उन्होंने भाई एक चीज रिवील करी कि भाई उनको भी एक ऑफर आया था वीडियो का, और क्या बोला उसके बारे में फुकरा इंसान ने, आप लोग ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। दोस्तों 10 मिलियन हो गए, तुम मिस्टर बीस से कब मिलोगे? बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मिस्टर बीस से कब मिलोगे, तो मैं इस वीडियो का टाइटल रख दूंगा एम आई मीटिंग मिस्टर बीस, क्योंकि अभी रिसेंटली मिस्टर बीस टेक्स्टेड मी पर्सनली, आई वांट यू टू फीचर इन वन ऑफ माय वीडियोस, इस तारीख को वीडियो आ जाओ। बट टाइमलाइंस बहुत शॉर्ट थी एंड मेरे पास यूएस का वीजा तब तक नहीं था, मैंने अप्लाई नहीं किया था, और यूएस वीजा लगने में सबको पता है काफी टाइम लगता है। आई टोल्ड मिस्टर बीस की टीम, उन्होंने मिस्टर बीस टीम के साथ मेरा ग्रुप बनाया, मैंने बोला कि अगर आप वीजा लगवा सकते हो यू कैन हेल्प इन दैट, तो उन्होंने भी बोला कि अभी वीजा लगने मुश्किल हो रहा है, इसीलिए उस वीडियो में नहीं हो पाया जो उन्होंने अभी बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ करी है। बट आई एम ग्लैड कैरी भाई वहां पर थे, अगर मेरा भी वीजा लगता तो मैं भी होता कैरी भाई के साथ वहां पर, तो इट वुड हैव बीन फन। बट आई होप कि वो वीडियो जो होने वाली है मिस्टर बीस्ट की, कैरी मिनाटी भी है जिसमें कैरी मिनाटी जीत के आया हो, एंड आई विश दैट कि ही मेक्स अस आवर कंट्री प्राउड। लेट्स गो। और यहाँ पर फुकरा इंसान की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं ट्रिगर इंसान के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल उन पर काफी ज्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने जे रैंक है वो झूठ बोली थी अपने ऑडियंस को, एंड काफी साल से वो यहाँ पे अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं झूठ झूठ बोल बोल कर। भाई उनकी रैंक में जो 9900 थी एंड इस चीज की कमेंट है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने एक्सपोज भी किया था, एंड पीपॉय ने भी कल इससे रिलेटेड अपना एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डाला था। आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ह्यूमिलिएट करें उसको, आप अब्यूज करें उसको, आप इस तरह से मॉक करें, ट्रोल करें, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट। आई नो प्रोबब्ली ही हैज ब्रोकन ट्रस्ट ऑफ मेनी, और मुझे 100% पता है कि निश्चय इस बारे में क्लैरिफाई जरूर करेगा, बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड पुट अ पर्सपेक्टिव अबाउट बुलिंग इन साइकोलॉजी एंड द मेंटल ट्रॉमा व्हिच मेनी पीपल फेस। और आज भी इस वक्त भी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, शायद आप खुद ये चीज फेस कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेटिंग आप कॉम्पनसेशन जरूर करिए, बट आप एग्जैजरेट मत करिए, झूठ का सारा मत बोलिए, बिकॉज झूठ कल खत्म हो जाएगा, वो सच सामने आ जाएगा और आप कई लोगों का भरोसा तोड़ दोगे, उसकी जरूरत नहीं है। आप जो हो ना उसको एम्ब्रेस करो। मुझे इतना पता है कि अगर निश्चय किया जो भी किया वो his wiring, his neuro conditioning was such कि वो करा, but मुझे इतना जरूर पता है कि और triggered ये नहीं भी बोलता कि उसकी ranking 900 है JEE mains में, या अपने education credentials के बारे में इतना exaggerate नहीं करता, तब भी उसको बच्चे और इसको सारी community उतना ही प्यार करती है जितना उसको हमेशा से करती आई है। मैं एक जरूर चीज बोलूंगा, जितने भी इस वक्त influencers grow हो रहे हैं, बस make sure कि जब भी आप किसी को roast करें तो एक line जरूर draw करें, किसी को humiliate उस level पे ना करें कि जिससे उसको कि mental trauma सहार करना पड़े, unless and until that person has done a crime। अगर वो कुछ cringe कर रहा है, कुछ चीज कर रहा है, तो उसको बात करो, बट उसको ह्यूमिलिएट मत करो और अब्यूज मत करो। इतना ही मैं कहूंगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी में इतना अमेजिंग क्रिएटर उसको इस तरह से बुली किया जाए, उसको एक मौका देना चाहिए। एंड आई बिलीव निश्चय को, जितना मैं जानता हूं, चाहे वो मेरे से बात नहीं करे एक साल से, बट जितना मैं जानता हूं वो आके जरूर प्रॉब्ली क्लैरिफाई करेगा और सॉरी बोलेगा और वो बताएगा कि उसके रीजंस क्या रहे होंगे या क्लैरिफाई करेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। इवन उन्होंने ये भी ट्वीट किया था जहां पे वो बोला था कि कहते हैं कि यूट्यूब सोशल मीडिया पे ज्यादा झूठ देर तक नहीं चलता है, लंबे समय में सच सामने आ ही जाता है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ छुपाना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कौन बड़ा झूठा है, क्रिंग है वो इंसान जो दूसरों पे हंसता रहता है, ये वो जो खुद को मिरर में देखने लायक नहीं है। क्या आप ऐसा झूठ से भरे उस सोशल मीडिया के साथ जी सकते हो कैसे? एंड इवन इस चीज पर वीडियो बनाने के बाद भाई उन्होंने एक और चीज रिवील की कि जब से उन्होंने ट्रिगर इंसान के ऊपर एक वीडियो बनाई है तब से उनकी काफी ज्यादा थ्रेडर्स कर रहे हैं मैसेजेस के अंदर, और उन्होंने काफी सारे चीजों के बारे में बात करी थी। इस चीज की रिकॉर्डिंग भाई इसके साथ फैन पीपॉय के थ्रेड्स और हेट वगैरह दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं पुणे पोर्से इंसिडेंट के बारे में। तो भाई उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कोर्ट ने अपडेट दी है जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि वो जो 17 साल का लड़का था उसको भाई गलत तरीके से इनेट करवा दिया गया है, उसको छोड़ दिया है। इस चीज के ऊपर मैक्सन भी रिएक्ट करते हैं, मैक्सन क्या कुछ कहता है आप लोग ये वीडियो देखिए। वेदांत अग्रवाल का डिटेंशन करना इलीगल था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला। ये इस हिसाब से भाई सौरभ जोशी के जितने भी हेटर हो ना, औकात में रहो, उसके पास पोर्शा भी है और पैसा भी है, तो वो तुम्हारे को कब स्वर्ग पहुंचा देगा पता भी नहीं चलेगा और वो जेल भी नहीं जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं अभी एनयू के करीबी दोस्त ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई ध्रुव राठी ने कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसके टाइटल में भाई उन्होंने लिखा था कि क्या होगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये चीज लोग देखकर बोलने लगे भाई इम्पॉसिबल है, क्योंकि ध्रुव राठी यहाँ पे इंडिया का रहने वाला है ही नहीं। बट उन्होंने इससे रिकॉर्डिंग एक वीडियो डाली थी, बट यस वीडियो आने के बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। उस जज के ऊपर ध्रुव राठी ने भी रिएक्ट करा है। तो ध्रुव राठी अपने वीडियो के रिकॉर्डिंग अपना एक ट्वीट के ऊपर कुछ पोस्ट डालते हैं, देन इसके नीचे एक यूजर है जिसका नाम है जॉन, वो इस चीज पर रिएक्ट करता है और कहते हैं कि भाई आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सबसे पहले उसकी शर्त होती है कि भाई आप पहली बार इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और दूसरी बात आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, एंड यानी अगर आप दोनों कोई मेंबर नहीं है तो भाई आपको इलेक्शन जीतने के बाद 6 महीने के अंदर इन दोनों को पार्ट होना पड़ता है। इसके साथ साथ आपकी एज 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और भी कुछ चीजें थी चीज के ऊपर, बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो था कि इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, मतलब कि इंडिया में रहने वाले होने चाहिए। एंड आपको पता ही होगा कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं ध्रुव राठी जर्मनी में रहने वाले हैं, तो इसी चीज का रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी बोलते हैं आप खुद गूगल कर लो, उसके ऊपर आपको फैक्ट्स दिख जाएंगे। एंड गूगल करने से पहले उन्होंने अपना एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो वहां पर इंडियन लिखा हुआ था। एंड इस चीज के बाद ये बंदा रिप्लाई करता है कि भाई अगर आप इंडिया के रहने वाले हो तो आपने वोट क्यों नहीं दिया था जब इलेक्शन हुआ था। एंड ये सब करने के बाद ध्रुव राठी इस बंदे को ब्लॉक कर देते हैं। एंड इवन कुछ लोग इस चीज पर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये बंदा कितना दोगला है, मतलब ध्रुव राठी कितना फर्जी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं थारा भाई जोगिंदर के दोस्त। उन्होंने फिर से वड़ा पाव गर्ल के अगेंस्ट एक और वीडियो बना दिया है। वड़ा पाव अभी तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला है, ये मत समझना कि विक्की ठाकुर चुप हो जाएगा। और जितने भी लोग तुम्हारी तरफ से ये सपोर्ट कर रहे हैं ना तुझे वड़ा पाव कि ये है वो है विक्की ठाकुर का ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जड़ से उखाड़ दूंगा जड़ से। पैसा हराम का नहीं है मेरा, पैसा चाहिए एक एक पैसा। अबे इस वड़ा पाव को बाहर निकालो ना बिग बॉस से। हिंदुस्तान के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो हमारे देश के लिए खेला बॉक्सिंग करता है उसको निकाल दिया और ये फेक वड़ा पाव को अंदर रखा हुआ है अभी भी। सारी सोशल मीडिया खोल के देखो ना क्या कमेंट आ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं फिर भी ये बिग बॉस उसको रख रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं नीरज गोयत के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि बिग बॉस 23 के घर में यार नीरज गोयत गए हुए थे। एंड ऑल्सो मैंने आपको कल ही वाली वीडियो में बता दिया था कि फर्स्ट वीक में यार जो एलिवेशन हुए थे उसमें यार नीरज गोयत को बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने यार इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की थी बिग बॉस के लिए, देखिए आप लोग। तो क्या आपको पता है मैं बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो गया हूँ? तो जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर वालों के साथ जैसे मैं अपने घर पे रहता था वैसे ही मैं इस बिग बॉस के घर में भी रहा हूँ। सबके साथ हंस बोल के बात करना, अपने पास के माहौल को खुशहाल करना, किसी भी प्रॉब्लम का हल लड़कर या गुस्सा करके नहीं बल्कि उसको समझा कर और प्यार से करना, क्योंकि दोस्तों प्यार में बहुत ताकत होती है। मेरा मोटिव बस यही था कि बिग बॉस जैसा बड़ा शो गाली गलौज देकर लड़कर नहीं, ये शो प्यार और सच्चाई से भी जीता जा सकता है। मुझे बिग बॉस के प्यारे घर में जितने भी 2-3 दिन मिले उनमें मैंने सही चीज के लिए और सबके लिए आवाज उठाई। मुझे कुछ और वक्त मिलता बिग बॉस के घर में रहने का तो मैं इसी बात पे डटा रहता और आप सबको दिखाता सच्चाई और प्यार में क्या ताकत है। पर मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया गया और रीजन ये दिया कि ऑडियंस की वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा तो ऑडियंस का तो मुझे बेशुमार प्यार मिल रहा है। दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि इतने कम समय में मैं आप सबका दिल जीत पाया और जो लोग 4 दिन पहले मुझे इस बिग बॉस के घर में मिले थे वो लोग मुझे जाता देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। बाकी दोस्तों जिंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, आप लोग सपोर्ट बना के रखो। राम राम, जय हिंद, जय भारत। एंड इतना ही नहीं, जब वो नीरज गोयत बाहर आए थारा भाई जोगिंदर से मिले और वो बिग बॉस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है दोनों। थारा भाई जोगिंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स पर गुस्सा है क्योंकि शिवानी कुमारी इनके बीच में काफी लफड़े हो रहे हैं। एलविस यादव, मैक्सटन, थगेश, लक्ष्य चौधरी सारे यूट्यूबर्स से भाई थारा भाई जोगिंदर बहुत ही ज्यादा सबसे गुस्सा है। मैं आपको एक रील दिखाता हूँ जिसमें थारा भाई जोगिंदर शिवानी कुमारी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अभी बिग बॉस शो के अंदर एक लड़की गई है जिसका नाम है शिवानी कुमारी। वो बिग बॉस में जाती है, अपनी गांव वाली लैंग्वेज बोलती है, पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मानते हैं। उनका कहना यह है कि ये गवार है, इसको शो के अंदर क्यों लिया गया है। पहला नाम है मैक्सटन, दूसरा नाम है लक्ष्य चौधरी, तीसरा नाम है उसका जिसका एक चेला बिग बॉस के अंदर बैठा हुआ है। मैं हिंदुस्तान के भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं, ये लड़की कुछ गलत कर रही है। ये लड़की गांव की रहने वाली है और इस हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग गांव के रहने वाले हैं। अबे कहां है वो लोग जो उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट मानते हैं? तुम्हारे उत्तर प्रदेश की लड़की गई है, इसकी बेइज्जती की जा रही है सोशल मीडिया के अंदर। अबे तुम सारे एक हो जाओ ना सोशल मीडिया के अंदर। अगर ये लड़की ऐसी ट्रोल होती रही तो इसके अंदर शिवानी कुमारी की बेइज्जती नहीं है, हिंदुस्तान के 90% गांव वालों की बेइज्जती है। क्या गांव वालों का दिल नहीं होता? क्या वो लोग अपनी लैंग्वेज बोल नहीं सकते? क्या ये शहरी लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं
क्या इन लोगों का हक क्या क्या बोलने का? शिवानी कुमारी के पीछे थारा भाई जोगिंदर खड़ा है फुल सपोर्ट। दिखा दो अपनी पावर हिंदुस्तान के भाइयों। जय श्री राम। मैंने आपको दो दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जो एल्विस यादव है उसको शिवानी कुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शिवानी कुमारी को गवार भी बोला था एल्विस यादव ने। तो थाराबाई जोगिंदर एक बहुत ही एंग्री रिप्लाई करते हैं एल्विस यादव के पर। क्या कुछ कहा था थाराबाई जोगिंदर ने एल्विस यादव को, आप लोग ये वीडियो देखिए दोस्तों। इसको जानते हो, आज एक बात बोलना चाहता हूं, तुम वही लोगों ना, तुम लोगों ने दिन रात एक ही थी, इसको जिताया था बिग बॉस के अंदर और आज ये तुम लोगों का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। एक बार इसकी वीडियो देखना, इसने शिवानी कुमारी के लिए क्या बोला। शिवानी कुमारी भाई, शिवानी कुमारी भाई साहब, हर वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग भाई, जिसको भी बुरा लगता हो लग जाए, हम है सच्चे आदमी, बहुत कान में चुभती है आवाज भाई। अब शिवानी कुमारी बन के आइए, वैसी आवाज निकालिए ठीक है। अरे भैया क्या करते हो तुम? नहीं मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। लोग आधी आधी रात अपने गांव के अंदर घूम के एल्विस यादव के पोस्टर लगाते थे अपने गांव के अंदर, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा सब एक हो गए थे और आज इसके अंदर देख लो कैसा घमंड आ रहा है। फिर तुम लोग बोलते हो कि थारा भाई जोगिंदर बोलता है। हिंदुस्तान के भाइयों, अब तुम लोगों के हाथ में इसका क्या करना है? ये शिवानी कुमारी की बेइज्जती नहीं कर रहा है, हर उन गांव वालों की बेइज्जती कर रहा है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। अब तुम लोग हमेशा ऐसी सुनते रहोगे क्या? उठो, अपना स्टैंड लो और इसको बताओ पावर हिंदुस्तान के अंदर कि जो गांव वाले होते हैं इनके अंदर कितनी पावर होती है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को ये वाली बात बोल रहा हूं। उठ जाओ वरना बाद में लेट हो जाओगे और इसको रिप्लाई दो। जय श्री राम। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं बिग बॉस से रिलेटेड। तो क्या अरमान मलिक ने लव कटारिया को जोकर बोल दिया है? जी हाँ गाइस, अरमान मलिक एंड ऑल्सो साई केतन राव, इन दोनों ने मिलकर लव कटारिया यानी कि लवकेश कटारिया जो एल्विस यादव के दोस्त है उनको भाई जोकर बोल के कॉपी कोट बोल दिया कि जो लव कटारिया है भाई वो सिर्फ एल्विस यादव की कॉपी कर रहे हैं उसको। ये लगता है कि अगर वो एल्विस यादव की कॉपी करेगा तो वो जीत जाएगा। ये चीज कहां से स्टार्ट हुई? ऑल्सो अरमान मलिक एंड ऑल्सो साई केतन राव ने क्या कुछ कहा है लव कटारिया के बारे में, आपको सबसे पहले डिटेल में बता देता हूँ। जो अरमान मलिक है वो साई केतन राव को कहते हैं कि ये जो लव कटारिया है इसको कोई अच्छा करना पड़ेगा, दिन भर एल्विस यादव की कॉपी करता रहता है। ऑल्सो अरमान मलिक ये भी कहते हैं कि यार सारा दिन कॉमेडी करने से घर थोड़ी ना चलता है, कॉमेडी करने से घर नहीं चलता है। ऑल्सो अरमान मलिक रिप्लाई करते हुए साई केतन राव को कहते हैं कि मुझे तो ये पूरा का पूरा जोकर लगता है एंड पिछले वाले सीजन में जो भी कह रहा है वो एल्विस यादव को रिफ्रेश देते कि पिछले वाले सीजन में जो भी कोई कर रहा है सीधा का तुम लोग डापली, तो तुम में और किसी जोकर में कोई फर्क नहीं रहेगा, तुम जोकर हो, तुम क्लाउन हो। साई केतन राव और अरमान मलिक दोनों मिलकर लव कटारिया को एल्विस यादव की कॉपी बोल रहे थे और 2.0 बोल रहे थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई न्यूज के साथ। जय हिंद जय भारत।